पार्टी चोकोस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लेवर्स के बारे में कि हमें फ्लेवर्स कैसे यूज़ करने चाहिए अगर हम चॉकलेट बनाते हैं, एंड फ्लेवर्स एग्जैक्टली होते क्या है, कितनी क्वांटिटी में आपको इसका यूज़ करना चाहिए, एंड ऐसी बहुत सारी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन फ्लेवर से रिलेटेड मैं आज वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चॉकलेट्स बनाते हैं या बनाने वाले हैं इन फ्यूचर, या आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकती है। बिकॉज अगर आपने चॉकलेट बनाते टाइम कोई भी एक इंग्रेडिएंट का अगर गलत इंग्रेडिएंट का अगर आपने यूज़ कर लिया तो उससे आपकी चॉकलेट स्पॉइल हो सकती है। तो इसलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज़ करें वो सही इंग्रेडिएंट हम यूज़ करें, जिससे जो आपकी चॉकलेट है वो ख़राब ना हो। तो आप बने रहिए एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्री के अंदर फ्लेवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द ड्रिंक्स या फूड जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। एंड हमारी जो टंग होती है वो 5 बेसिक टेस्ट डिटेक्ट करती है, दैट इज स्वीट, सॉल्ट, सार, उमामी एंड बिटर। बट द फैक्ट इज सबसे पहले हम जो खाना टेस्ट करते हैं वो स्मेल के थ्रू करते हैं, देन जाके हम उसे कंज्यूम करते हैं, एंड दिस इज हाउ द कंपनीज प्ले विद द फ्लेवर। कंपनीज बेसिकली नेचुरल फ्लेवर की जगह आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ करती हैं सो दैट वो कॉस्ट कटिंग कर पाए, एंड बिकॉज आर्टिफिशियल फ्लेवर्स बहुत चीप मिलते हैं मार्केट में, एंड ये जो जॉब होती है ये फ्लेवरिस्ट की जॉब होती है कि वो फ्लेवर्स को कैसे क्रिएट करता है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो अब हम जानते हैं कि हमें चॉकलेट के लिए कौन से फ्लेवर्स यूज़ करने चाहिए। देखिए, फ्लेवर्स का जो काम होता है वो आपके फूड को या आपकी रेसिपी को और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाना होता है विदाउट गिविंग न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। सो जो मार्केट में फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं वो अल्कोहल बेस्ड भी आपको मिलेंगे, वाटर बेस्ड मिलेंगे, ऑयल बेस्ड मिलेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू चॉकलेट यू ऑलवेज हैव टू यूज़ ऑयल बेस्ड फ्लेवर्स। ऑयल बेस्ड फ्लेवर लेने का रीज़न ये होता है बिकॉज आपकी जो चॉकलेट में मेनली वाटर नहीं होता, उसके अंदर जो भी होता है फैट कंटेंट होता है। सो फैट कंटेंट यहाँ तो वेजिटेबल फैट के फॉर्म में हो सकता है या कोकोआ बटर के फॉर्म में हो सकता है, दैट इज़ द रीज़न कि हम जो भी फ्लेवर यूज़ करते हैं तो वो ऑयल बेस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी जो चॉकलेट है वो सीज हो जाएगी। बिकॉज बहुत बार ये होता है कि हमें समझ नहीं आती मार्केट में कि कौन सा ऑयल बेस्ड फ्लेवर है या कौन सा वाटर बेस्ड है, और हम जस्ट पिक करके उसको अपनी चॉकलेट में यूज़ कर लेते हैं, एंड फिर जब आपकी चॉकलेट बिल्कुल उसमें लम्स क्रिएट हो जाते हैं, वो बिल्कुल सेट हो जाती है, मतलब उसमें लम्स क्रिएट हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि पता नहीं शायद चॉकलेट में कुछ प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या है। तो देखिए, वो उसका रीज़न भी ये होता है कि अगर आपने वाटर बेस्ड या अल्कोहल बेस्ड अगर आपने फ्लेवर्स यूज़ करे हैं तो आपकी जो चॉकलेट है वो सीज हो जाएगी। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है फ्लेवर्स को पिक करते टाइम कि हमें कौन सा फ्लेवर लेना है, कैसे लेना है। नाउ व्हेन इट कम्स टू ब्रांड कि हमें कौन सी ब्रांड के फ्लेवर्स यूज़ करने चाहिए, सो देखिए मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल तो है, बट जो ट्रस्टेड ब्रांड्स है जिसे मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ तो वो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। आप फैब के फ्लेवर्स यूज़ कर सकते हो, ओसोरो के भी फ्लेवर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, बेकर्स विले के प्रोडक्ट हैं वो भी अच्छे फ्लेवर्स हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सो ये कुछ ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं जिसे मैं बिल्कुल ब्लाइंडली ये सब इनके प्रोडक्ट्स में ले लेती हूँ। सी आई हैव रिसर्च अ लॉट ऑन फ्लेवर्स, सो आई थिंक मेरी कुछ फाइंडिंग्स हो सकती है आपके लिए भी हेल्पफुल हो, बिकॉज कई बार स्मॉल टाउन में जो मैंने आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करें वो हो सकता है ना मिले, एंड बिकॉज शॉपकीपर के पास आप जाओगे तो उसको भी अधिकतर मैंने जो देखा है उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, एंड वो आपको रॉन्ग प्रोडक्ट आपको सेल कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी जो चॉकलेट है वो ख़राब हो जाती है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम सेल्फ अवेयर रहें एंड हम खुद को एजुकेट करें कि क्या हमारे प्रोडक्ट जो भी हम रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए क्या सही है और कौन सा इंग्रेडिएंट गलत है। तो आज कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करके आप देख सकते हो कि ये जो आपका फ्लेवर है वो ऑयल बेस्ड है या वाटर बेस्ड है। देखिए, जब बात आती है प्राइस की तो आप प्राइस से भी जज कर सकते हो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑयल बेस्ड है या वाटर बेस्ड है। सो सपोज़ मेरे पास ये दो फ्लेवर्स है, ये जो है वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है जो इजीली आई थिंक हर सिटी में, छोटी से छोटी सिटी में भी आपको मिल जाएगा, एंड इसकी जो कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट 25-30 रुपीज़ के आसपास आती है, एंड ये होते हैं वाटर बेस्ड, तो ये आपको कभी भी यूज़ नहीं करने हैं। एंड
यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये मेरे पास अभी बेकर्स विले का लेजेंड ब्रांड है, ये ऑयल सॉल्यूबल फ्लेवर इसमें लिखा हुआ है। सो इसकी जो कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट अलग अलग 200 के आसपास, 150-200 के आसपास आपको फ्लेवर्स मिलेंगे। सो इस तरह से आप जज कर सकते हो, ये जो है वाटर बेस्ड जो बहुत सस्ते आते हैं एंड जो ऑयल बेस्ड फ्लेवर है बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। सो द नेक्स्ट इज प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे मेनली फ्लेवर्स में यूज़ करा जाता है। एंड मैंने अपने रिसर्च में ये फाइंड आउट करा है कि जितने भी वाटर बेस्ड फ्लेवर्स होते हैं उसके अंदर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ होता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ऑयल बेस्ड फ्लेवर्स के अंदर यूज़ नहीं होता है। समटाइम्स ऑयल बेस्ड फ्लेवर्स के अंदर भी इसका यूज़ होता है। सो आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपको आपके जो प्रोडक्ट, आप जो भी फ्लेवर्स आप यूज़ करेंगे, आपको उसका बैक साइड देखना है। बैक साइड में कहीं पे भी प्रोपिलीन ग्लाइकॉल वर्ड यूज़ हो रहा है तो हो सकता है कि आपका ये जो फ्लेवर है ये वाटर बेस्ड हो। बट अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 100% ज़रूरी नहीं है कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल सिर्फ वाटर बेस्ड फ्लेवर्स में ही यूज़ होता है, कभी कभी ये ऑयल बेस्ड फ्लेवर्स के अंदर भी यूज़ होता है। ट्रायसेटिन एक केमिकल कंपाउंड होता है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की तरह, जो बेसिकली ऑयल बेस्ड फ्लेवर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। जिस तरह प्रोपिलीन ग्लाइकॉल आपका वाटर बेस्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, उसी तरह जो ट्रायसेटिन है वो ऑयल बेस्ड फ्लेवर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। सो आप लेबल के बैक साइड में चेक कर सकते हैं, जहाँ पे भी ट्रायसेटिन करके ये केमिकल कंपाउंड मेंशन है, इसका मतलब ये ऑयल बेस्ड फ्लेवर है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑयल बेस्ड फ्लेवर्स ओनली कंटेन नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस एंड नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस। सो जहाँ पे भी ये मेंशन होगा, सो हो सकता है कि आपका जो फ्लेवर है वो ऑयल बेस्ड है। कभी कभी वाटर वर्ड का भी यूज़ करा जाता है। अगर आप इंग्रेडिएंट में देखेंगे बैक साइड में, तो कभी कभी वाटर वर्ड का भी यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका फ्लेवर है ये वाटर बेस्ड है, तो ये वाले फ्लेवर तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। सो दैट वॉज माई रिसर्च ऑन फ्लेवर्स। आप अपनी तरफ से भी रिसर्च करिए कि आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है। एंड बिकॉज मोस्टली कंपनी ऑयल सॉल्यूबल फ्लेवर अपने प्रोडक्ट पे लिखती है एंड कभी कभी नहीं लिखती है, तो आपको थोड़ा सा जज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने कुछ अपनी फाइंडिंग्स से आपको हेल्प करने की कोशिश करी एंड आई एम श्योर कि आपको हेल्प करे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्टी चोकोज़।